यूपी के मेरठ में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों की मौत और कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक मेरठ की जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में गली नंबर 6 के पास एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इसके मलबे में 10 लोगों की दबकर मौत हो गई तो वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना भी है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। फायर विभाग समेत अन्य विभाग भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन अंधेरा और साथ ही हल्की हल्की बारिश होने के चलते राहत और बचाव कार्य में समस्या आ रही है। इसके अलावा छोटी गलियां होने की वजह से बड़ी मशीन बचाव और राहत कार्य ठीक से नहीं कर पा रही। यहां स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। जानकारी मिली है कि 300 वर्ग जमीन पर बने इस इमारत में एकमात्र पिलर था और वो पिलर भी गेट के पास लगा था। वहीं पूरी इमारत महज 4 इंच की दीवार पर खड़ी थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी कमजोर दीवार होने के बावजूद इसके ऊपर की मंजिल में एक फ्लोर और बनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि मेरठ में लगातार बारिश हो रही थी। इसकी वजह से मकान की नींव में पानी भर गया और इससे कमजोर हो चुकी दीवारें भरभरा कर गिर पड़ी। जोई जाकिर कॉलोनी में कल 4:30 बजे घटना हुई थी शाम को। इसमें जो फैमिली और रिलेटिव्स के द्वारा बताया गया था कि उसमें लोग 15 लोग हैं, तो 15 लोगों में से जो लिस्ट दी गई थी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के द्वारा, सभी 15 लोग अब रेस्क्यू हो गए। इनमें से 10 डेथ हुई हैं, 5 लोग अलाइव हैं। 10 जो डेथ्स हैं उसमें से 2 मेल्स हैं, 8 फीमेल्स हैं और 5 बच्चे हैं। तो अभी सभी का बाकी की जो नियमानुसार कार्रवाई है पोस्टमार्टम की और बाकी फॉर्मेलिटीज की वो की जा रही है। उस एरिया को पूरा सील किया जा रहा है और जितना भी डेब्रिस है उसको पूरा निकाला जा रहा है। अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, जब तक पूरा सर्टिफिकेट और सभी चीजें इंश्योर ना कर ली जाएगी कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ह्यूमन लाइफ की, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे। जानकारी मिली है कि अभी कुछ लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक इस मकान का ग्राउंड फ्लोर करीब 50 साल पहले बना था, लेकिन बाद में इस फ्लोर पर मकान मालिक अलाउद्दीन ने डेयरी फार्म खोल दिया और अपने रहने के लिए ऊपर एक फ्लोर बना लिया। अलाउद्दीन के निधन के बाद उसके 4 बेटे साजिद, नदीम, नईम, शाकिर डेयरी चलाने लगे। वहीं ऊपर रहने की जगह कम पड़ी तो एक फ्लोर और बना लिया। क्योंकि शुरू में यह मकान डेयरी के हिसाब से बिना पिलर के बना था, वहीं दीवारें भी महज आधी ईंट की बनी थी। ऐसे में जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर बनते चले गए, दीवार की नींव कमजोर होती चली गई। ये लोग डेयरी से निकलने वाला गोबर और अन्य कचरा अपनी दीवार के किनारे जमा कर रहे थे। इधर चूंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश का पानी इस कचरे में जमा होने लगा और रिश्ते रिश्ते मकान की नींव में भर गया, जिसके चलते दीवारों में सीलन आ गई। इस सीलन की वजह से 1 सप्ताह पहले मकान का छोटा हिस्सा भी धस गया था, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई और इसको इग्नोर कर दिया गया, जिसके चलते अब ये बड़ा हादसा हो गया।